welcome back to my YouTube channel. My name is Rahul. You are watching the Exploring Wings. So, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रहा है. तो यार आज कैसा था ना, सुबह से बारिश हो रही थी तो सोचा आप ज़रा कुछ ना कुछ बना लूँ. बेसिकली क्या है, मेरा जो बाइक का विंडशील्ड है वो हो गया है ख़राब. वाइब्रेशंस बहुत देता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वाली नॉइस आती है, तो उसको ज़रा फिक्स करने के लिए मेरे पास एक दूसरा विंडशील्ड पड़ा हुआ है, उसे निकाल एक और एडिशनल विंडशील्ड. तो यार पहले यार मैं कैमरा, बिना कैमरा टिका ना होगा नहीं यार काम. ओके तो यार चलो जरा खोलते हैं, फिर अपनी विंडशील्ड बाहर निकालते हैं. पहले तो ज़्यादा ही अच्छे से पैक हो गया है. ये है मेरे पास जीबी रेसिंग की विंडशील्ड, इसी को हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं. वो वाली यार वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा दे रही थी, मैंने कहा चला यार इसको इंस्टॉल करते हैं. चलो बाइक के पास लेके चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ इसको इंस्टॉल करके. गाइस बाइक के पास आ गए हैं हम अपनी. फाइनली बारिश वारिश हो रही थी सुबह से यार, बारिश में हालत ही ख़राब हो गई है. तो दिखाता हूँ यार आप लोगों को क्या कैसा हो रखा है वेदर. वेदर सुबह से बारिश वारिश होकर सब कुछ गीला गीला सा हो गया है, कुछ नहीं कर सकते. ये खड़ी हमारी प्यारी सी बाइक जिसे हमने बंद करके रखा हुआ है, और हमें विंडशील्ड खोलने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इस स्क्रू ड्राइवर की, जो कि 4 पेच वाला बोल लो या कुछ भी बोल लो. हालांकि यार बाइक हम लोग थोड़ा ढक्के खड़ी कर देते हैं. ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये तो पानी पानी भर गया यार, ये देखो. तो बाइक हमने यहाँ पर ढकी खड़ी कर रखी है, ये तो बहुत बुरा हाल हो रखा है. ये देखो यार पूरी गंदी गंदी हो रखी है. उम्मीद नहीं थी यार, वो तो अच्छा हुआ मैंने ढक्के खड़ी कर दी, इतनी गंदी हो जाएगी ये उम्मीद नहीं थी. ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई है. चलो बाइक तो अंदर से पूरी साफ है, ये थोड़ी गंदी हो गई है बस. ओहो अंदर से बाइक तो पूरी सूखी निकल गई, इसे बोलते हैं बढ़िया चीज़. तो चलो यार वैसे तो यहाँ पे 6 नट होते हैं, अभी हमने लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 4 नट लगा रखे हैं. एक्चुअली 2 नट गिर गए हैं, मुझे लगता है इस वजह से शायद वाइब्रेशन आ रही हो. कुछ नहीं करना है, बस इसको खोल देना है, फटाफट फटाफट खुल जाएगा ये. खुल गया, इसको खोल देना है. लग रहा है यार मैं जरा दूसरा लेके आता हूँ, इसको मैं जरा दूसरा वाला पेचकस लेके आता हूँ फिर इसको खोलता हूँ. तो बस चलो यार इसको खोलते हैं. ये पूरा एक्यूरेसी के साथ फिटअप हो गया यार, बस क्या करें. ये ठीक लगता है बट इसमें वाइब्रेशंस पता नहीं इतनी ज़्यादा क्यों आ रही हैं, आई डोंट नो. मैंने कल बाइक चलाई तब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रही थी. ये तो मुझे लग रहा पहले से ही खुला हुआ था. अरे भाई साहब लग रहा बाइक के अंदर मकड़ी वकड़ी घुसी हुई है, क्योंकि मैंने पूरी बाइक कल परसों साफ करी थी और इसमें फिर से. ओहो अच्छा स्पाइडर जी यहाँ पे जाले बन रहे हैं, ये देखो यार बाइक में मकड़ी जाले बन रही है, जाले कमाल यार. वही मैं कहूँ मैं बाइक धो के रखता हूँ बार बार, इसमें जाले कैसे आ जाते हैं, ऐसे जाले आते हैं इसमें. अब समझ में आया मुझे, ये तो सही लफड़ा हो रखा है यार, बाइक में मकड़ी ने अपना घर बना लिया है. इस पर कुछ डालना पड़ेगा यार, कोई प्लीज़ यार सजेस्ट करो क्या डाल सकते हैं बाइक में अगर मकड़ी अपना घर बना ले तो. किसे बुलाऊँ मकड़ी खाने के लिए,
छिपकली, छिपकली पालूँ मैं, छिपकली यार, छिपकली पालना ठीक रहेगा तो प्लीज़ यार सजेस्ट करो। और ये खुल जा, सेम सेम हो जा जल्दी, हो ही नहीं रहा यार, ये खुलता नहीं है यार, क्या मजाक हो रहा है, खुल क्यों नहीं रहा है। आह फाइनली ये भी खुल जा, टिंग 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 टिंग, निंजा थोड़ी। आहा ये हो गया दो, और अभी जब सर्विस सेंटर जाऊंगा सर्विस करवाने, तो इसके बाकी के नट भी लगवा लूँगा, तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा और थोड़ा जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसको खुल जाए यार, खुल के नहीं रहे तो। हाँ खुल गया फाइनली, चलो ओके गाइस। वाइब्रेशंस का रीज़न मुझे समझ में आ गया, ये कटी हुई रबड़, ये देखो ये पूरी रबड़ कट चुकी है, इसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। और ये देखो ये इधर टूट चुकी है, ये एक पीस होते हैं जो कि कट चुका है। तो ऑलराइट, सारे स्क्रूज लगा दिए हैं, जो नहीं है वो बाद में लगवाएंगे। तो अभी जस्ट इसको प्लेस करते हैं प्रॉपर तरीके से। हो गया है, नहीं हुआ, नहीं हो रहा, हो गया हो गया, थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट करके हो ही जाएगा यार। ये इसको डालते हैं इधर, इट्स क्वाइट टू मच डिफिकल्ट टू होल्ड द कैमरा, और इसको टाइट करना, कहाँ गया भाई, इसको भी डालना है, और ये साला टूट गया है। वाओ, और ये टूट गया, अभी सारे लाइटली टाइट करेंगे। और अब लास्ट बोल्ट लगा देंगे ऐसे, चलो ये लग गए। नीचे वाले टाइट करेंगे, अब चेक करेंगे यार वाइब्रेशंस अभी भी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इसको एग्जैक्टली जब तक टाइट करते रहेंगे जब तक ये बंद ना हो जाए। तो वो चीज़ है, और ये लास्ट पॉइंट, मैं टेप निकाल के लाया था यार बट शायद लगाना भूल गया। वाओ, और ये फिट नहीं हो रहा है क्योंकि ये है टूट, इसकी रबर्स हो गई खराब। ये चीज़ ये बड़ी बेकार लगती है जब आप किसी चीज़ को बार बार रिपेयर करते रहते हो। ऑलराइट, तो ये लग चुके हैं, लुक्स कुछ ऐसी दे रही है, ब्लैक में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, पता नहीं ग्रे में ज़्यादा अच्छी लगती है। एक बार यार प्लीज़ जज करके बताना कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से तो मुझे तो सिल्वर ज़्यादा पसंद है, बट इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका कल ट्रायल लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि वाइब्रेशंस कम हुए नहीं हुए। उसके अलावा मैंने कुछ 3M की टेप भी रखी हुई है इसको डबल साइड करने के लिए, जो पोर्शन ज़्यादा हिलेगा वो आपका कहते हैं रन डाउन करेगा और आपको वाइब्रेशंस फील कराएगा। इट वुड बी बेटर कि आप उस चीज़ में
इन्वॉल्व आपका क्या कहते हैं उसको फिक्सअप कर दो, जिससे वाइब्रेशंस क्रिएट ना हो। अभी भी वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी क्योंकि मुझे रबड़ कल जाके रिप्लेस करानी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं ये कल सारी रबड़ें नई रिप्लेस करा दूंगा। डन। सो ऑलराइट, इसे रिप्लेस कर दिया गया है। रिप्लेस करने के बाद अब बताना यार दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो। और वैसे भी अब मैं सोच रहा हूँ यार 30 डेज़ वाला चैलेंज ले लूँ, कि 30 डेज़ में 30 वीडियोस वाला चैलेंज एक बार एक्सेप्ट करना चाहिए और 30 वीडियोस पूरे ट्राई करने चाहिए। क्योंकि मैंने अभी तक कोई यार वीडियोस वगैरह प्रॉपर बनाए नहीं है, क्योंकि मेरे को अभी टाइम एक्यूरेसी के साथ मिलता नहीं है, तो इसीलिए मेरे सब्सक्राइबर गेंस भी रुक गए हैं, सब कुछ मेरा रुक गया यार। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो मुझे यार, थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और इन सब चीज़ों के साथ मैं थोड़ा और आगे बढ़ सकूँ, आप लोगों के लिए नए DIY वीडियोस लेके आ सकूँ। फिलहाल तो प्लानिंग हो रही है एक ट्रिप की, उसके लिए भी कुछ चीज़ें अभी अनबॉक्स करनी है, कुछ मार्केट जाना है, आप लोगों को भी दिखाना है कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें हम लोग ला सकते हैं और कैसी चीज़ें दिखा सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा बताऊँगा और उनके बारे में भी बताऊँगा। चलो यार मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। आशा करता हूँ अभी तक आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।